नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। रामपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर बीएम नगर का उनके सरकारी आवास में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिनों अस्पताल से मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद से चर्चा में थे डॉक्टर बीएम नगर। नर्स और डॉक्टर दोनों कार्रवाई की जद में भी आ गए थे। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि मृतक डॉक्टर के परिजनों ने स्वास्थ्य खराब होना बताया है और शुगर लेवल ज़्यादा होना बताया है, जिसमें परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं होने के लिए एक लिखित शिकायत पत्र दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कार्रवाई लगातार की जा रही है। बाराबंकी ग्राम पंचायत के दो पक्षों में सुलह कराने गए ग्राम प्रधान पर एक पक्ष ने हमला कर दिया। प्रधान को बचाने पहुंचे दूसरे पक्ष को भी दबंगों ने जमकर पीटा है। मारपीट में प्रधान सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के बसंतपुर गाँव का पूरा मामला। बाराबंकी में कोविड प्रोटोकॉल्स का अहमदपुर टोल कर्मी पालन नहीं करते। टोल से गुजर रहे लोगों से बिना मास्क लगाकर बात कर रहे हैं। लोगों द्वारा बोले जाने पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। वो बोलते हैं कि कोरोना नहीं है। लापरवाह कर्मियों से अन्य टोल कर्मियों पर संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पिछले वर्ष दो दिन में 42 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर क्षेत्र में देर रात एक अनियंत्रित जीप पेड़ से टकराई। जीप में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए थे। हादसे में जीप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो एक तेज आवाज के साथ जीप का टायर फटा और फिर जीप पेड़ से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को करीब के अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर के बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर सड़क पर यहां वहां फैल गए। गनीमत यह रही कि हादसा देर रात का है। अगर दिन में हादसा होता तो शायद एक खतरनाक रूप ले लेता, क्योंकि सुरेश शर्मा नागर चौराहा व्यस्तम चौराहों में से एक है। घायल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाराबंकी जिले में दुकानें छूट के साथ खुल रही हैं। अन्य दुकानों को लेकर डीएम सख्त नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में छूट की दुकानों के साथ खोल रहे अन्य दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को डीएम डॉक्टर आदेश सिंह ने निर्देश दिए। दुकान खोलने की सूचना पर डीएम सख्त नजर आए हैं। मेरठ में देखते ही आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। फैक्ट्री के अंदर लगी भीषण आग का धुआं दूर से दिखने लगा, जिसके बाद आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से हुए हादसे में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सही नहीं दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों की मौत में इजाफा हो रहा है। इस बीच कोरोना के इस महामारी में कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बनकर आए मऊ सांसद अतुल राय ने अपनी निधि के पैसों से जिला अस्पताल में वेंटिलेटर और व्हीलचेयर जिला अस्पताल में मुहैया कराया, जिससे आने वाले मरीजों को अस्पताल में बेड कमी को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा और इलाज के अभाव में इनकी मौत भी नहीं होगी। बुलंदशहर स्थित बीपकोल में तैयार की जाएगी कोवैक्सीन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश की तीन और कंपनियों को दी कोवैक्सीन तैयार करने की अनुमति। कोविड 19 से जंग में बुलंदशहर की बीपकोल निभाएगी अहम भूमिका। बीपकोल प्रत्येक महीने 1.5 करोड़ डोज भारत सरकार को तैयार करके देगी। अक्टूबर तक बीपकोल कर सकती है उत्पादन शुरू। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।